गाइस यार कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग वैसे होंगे जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर छोड़ के गया था। सही पकड़े हैं। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 30 गेम के दिमाग को हैंग करके रख देने वाले ग्लिचेस। क्या बोला तूने? गाइस ग्लिच तो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, बट ये ग्लिच मैं आपको नहीं बता रहा बल्कि आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताया और मैं आपके बताए हुए ग्लिच इस वीडियो के अंदर ट्राई करके देखूंगा और देखने वाले कितना ज्यादा आज की वीडियो के अंदर मजा आता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो आज यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। गाइस ये वाली में था आप लोग अपने दोस्तों को दिखाओगे तो तुम्हारा दोस्त बोलेगा तू तो प्रो निकला बे। बात तो सही है। तो मैं बात तो हमेशा सही करता हूँ बट आप लोग मेरी बात सुनते ही कहाँ पे हो। अगर मेरी बात आप लोग सुनते तो मेरी तरह आप लोग प्रो नहीं होते। क्या बोला तूने? तो गाइस यार आज मैंने कुछ ज्यादा ही फेंक दिया तो मुझे लगता है कल के लिए कुछ बचा के रख लेना चाहिए, कल हमारे लिए काम आएगी। तो हम लोग अभी आप लोग के बताए हुए ग्लिच ट्राई कर लेने चाहिए। तो चलिए हमारा फर्स्ट ग्लिच देखते हैं। गाइस हमारा आज का फर्स्ट ग्लिच हमारे सामने पेश है, इसको आप लोग पढ़ सकते हो। मैं तो इसको सीधा ट्राई करने वाला हूँ, इस भाई की बातों को मैं समझ चुका हूँ। तो अब मैं आपको इस ग्लिच को ट्राई करके भी दिखा देता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है। ठीक है समरिया। तो कमेंट में भाई ने लिखा था कि सबसे पहले आपको बड़े वाला बस खड़ा कर लेना है। तो बस को हमने कर लिया अपने सामने पेस और बस आ चुकी है। अब हम लोगों को बस के पास बाइक को खड़ा करना है, तो बाइक को भी स्पॉन करवा लेते हैं। बाइक को हमने करवा लिया स्पॉन। अब इन दोनों में एक साथ बैठना है। अब एक साथ बैठना इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। हम लोग ऐसे जाते हैं तो ऐसे होगा या फिर नहीं होगा तो मुझे पता है। ये यहाँ पे हमने सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम लोगों को इसको नीचे गिराना पड़ा। गिरा दिया मैंने नीचे, दोनों के बीच में जाते हैं और दोनों में बैठने का ऑप्शन आ गया, बैठ गया। और अभी हमारे दोनों व्हीकल एक साथ चलने वाले, ऐसा होता है बट ये चलेगा या फिर नहीं चलेगा, चल रहा है भाई। तो अब हम लोग को बस के सामने जाना है। भाई ने बोला बस के सामने जाइयो, तो बस के सामने चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बाइक से तो उतर जाते हैं, बस के सामने चलते हैं। उसके बाद भाई ने स्पष्ट आंखों में लिखा है कि आपको कैमरा ऑन करना है। तो भाई लोगों को कैमरा ऑन कर लेना है, तो स्लो मोशन बटन के पास ही कैमरे का ऑप्शन है, तो इसको ऑन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, आप लोग देख पा रहे हो गाइस? हम लोगों को क्या देखने को मिला, मैं बस के अंदर बाहर करेक्टर घूम रहा है, नाच रहा है, डांस कर रहा है, मजे कर रहा है। अबे फोन भी निकाला है इसने मेरे सामने। रुको भाई, अब मेरा दिमाग लगाता हूँ, खुरापाती दिमाग यानी जुगाड़ी का जुगाड़। गन बाहर निकालते हैं और शूट करते हैं खुद को ही, खुद से। अब देखना हमारे साथ क्या होने वाला। लो भाई स्टिकी बम निकाल लिया इसने। अबे हाँ स्टिकी बम फेंक मेरे सामने, मैं कैच कर रहा हूँ, जल्दी आने दे जल्दी। हाँ जे यार कैच करवा दे भाई। तो भाई ये ऊपर का थोबड़ा क्यों कर रहा अपना, ले लो भाई ये पिस्टल ही ऊपर ने कर दिया भाई इसने तो। अरे भाई ये देखो यार क्या हवा में गोलियां चला रहा है। अरे बस भी चल रही है। अबे बस क्यों चल रही है, बस कौन चला रहा है फिर? हाँ रोक इसको भाई, इसको रोक भाई, खतरनाक बताया भाई ने। तो थैंक यू सो मच भाई, तुमने ये ग्लिच बता दिया मुझको। क्या देखने को मिल रहा है, बस सामने, करेक्टर सामने खड़ा है भाई, बस अपने आप चल रही है। ये तो बन गया भाई टार्जन दी वंडर बस, ये टार्जन दी वंडर बस है भाई, बहुत तगड़ा भाई, मजा आया। तो गाइस मजा आया ना, तो इसी मजे के अंदर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना, कहीं पे मजे के चक्कर में ये सब भूल जाओ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? तो गाइस अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट ग्लिच को ट्राई, जो कि आप में से एक भाई ने कमेंट में बताया, जिसका नाम आप कमेंट में पढ़ सकते हो। इसने बताया कि सबसे पहले आप M1 को लगाओ, तो लगाने को ये पेड़ थोड़ी है भाई, चलो हम लोग लगा लेते हैं M1 को। तो मैंने यहाँ पे M1 को लगा लिया है गाइस, ये आ चुका है अपना यहाँ पे लोकेशन पॉइंट। इसके बाद भाई ने बोला M1 के ऊपर गाड़ी लेके जाओ, तो मैंने यहाँ पे डिफेंडर को मंगवा लिया, डिफेंडर आ चुके। अब हम लोग डिफेंडर को यहाँ पे M1 के ऊपर लेके जाते हैं। उसके बाद भाई ने बोला आपको जाना है रेलवे स्टेशन पे और ट्रेन को स्टार्ट करना, यानी ट्रेन को चलाना है। तो हम लोग अभी जाते हैं रेलवे स्टेशन पे, तो मैं अभी जा रहा हूँ रेलवे स्टेशन के ऊपर, वहाँ पे मैं अभी ट्रेन के अंदर बैठने वाला हूँ, काफ़ी मज़ा आने वाला है, देखते रहिए। तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अभी रेलवे स्टेशन के ऊपर गाइस, और भाई यहाँ पे अपनी ट्रेन खड़ी हुई है, तो मैं ट्रेन को करने वाला हूँ ऑन। ठीक है, पहले हम लोग स्लो मोशन कर लेते हैं ताकि मज़ा आएगा भाई। भाई ने बोला स्लो मोशन को ऑन कर देना, तो स्लो मोशन को मैंने ऑन कर लिया है। अब
हम लोग यहाँ पे देखने वाले क्या होगा, क्या हम लोगों को क्या मैजिक देखने को मिलेगा, क्या ग्लिच होगा, क्या खतरनाक वाला ग्लिच होगा, माइंड ब्लोइंग होगा या फिर माइंड को खराब करने वाला होगा, वो हम लोग अभी देख ही लेंगे। तो मैं ट्रेन के अंदर बैठ चुका हूँ गाइस, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रखा है, तो अभी हम लोगों को ट्रेन को स्टार्ट करना है और ट्रेन को चलाना है। उसके बाद हम लोगों को स्लो मोशन वाला जो बटन है ये कैमरा के पास, इसको ऑन करना है। तो मैं यहाँ पे स्लो मोशन को बटन को अभी प्रेस कर रहा हूँ। तो 1 2 3 लास्ट स्टार्ट। तो गाइस मैंने यहाँ पे स्लो मोशन को अभी दबा दिया है, और नहीं यार अब की बार दबाने दो, मैंने दबा दिया। और गाइस ये क्या, ये अपने हाउस के पास आ गया भाई, जहाँ पे हमने लोकेशन वाला पॉइंट लगाया था। अरे भाई अपने हाउस के सामने आ गए, ये क्या हो गया भाई, ये तो भाई तहस नहस हो गया भाई। ट्रेन आ चुकी है अपने भाई रोड के ऊपर। तो भाई ये काफी ज्यादा जबरदस्त है यार। तो गाइस पीछे वाला जो ग्लिच था वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, थोड़ी देर के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। तो आप लोग अपने गेम के अंदर उस वाले ग्लिच को ट्राई कर सकते हो, और आपके दिमाग में कोई भी नया ग्लिच है वो आप लोग कमेंट में बताओ, हम लोग नेक्स्ट वीडियो आपके ग्लिच के ऊपर लेके आ जाएंगे। तो गाइस अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट ग्लिच को ट्राई। इस ग्लिच को ट्राई करने के लिए हम लोगों को स्प्लेंडर बाइक लेना है। तो स्प्लेंडर बाइक पे ये ग्लिच होने वाला है, तो स्प्लेंडर बाइक लेना है। और स्प्लेंडर बाइक को लेने के बाद हम लोगों को आ जाना है पानी के अंदर, पानी के डीप में आना है, ठीक है। ज्यादा भी डीप में नहीं जाना, थोड़ा बहुत जहां पे हम लोग तैर सके। यहां पे मैं आ चुका हूं, अब मुझे स्प्लेंडर से नीचे उतरना है, और ये स्प्लेंडर बाइक पे ग्लिच होने वाला है। स्प्लेंडर बाइक पे तैर के थोड़ा सा उसके बाद वापिस से बैठ जाना है। उसके बाद हम लोगों को इस सिटी के अंदर 5 मिनट तक ये बाइक ड्राइव करते रहना है रेगुलर, ठीक है, नीचे नहीं उतरना, इसे रेगुलर ड्राइव करते रहना है 5 मिनट। जैसे हम लोग करेंगे हम लोगों को यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे हम लोग 1 मिनट करेंगे, 2 मिनट, 5 मिनट के अंदर हम लोगों को ये वाला ग्लिच का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, और मस्त है भाई। जैसे मैं अभी देखूं मुझे 2 से 3 मिनट हो चुका है, और अभी थोड़ा थोड़ा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब आपको बता दूं रिजल्ट क्या है गाइस, ये जो अपना करेक्टर है ना, ये इस बाइक से नीचे उतरता जा रहा है, धीरे धीरे बैक होता जा रहा है। आप लोग देखो, पहले आगे बैठ रहा था, अब सीट से पीछे होता जा रहा है। तो ये ऐसे काम करता है मजेदार वाला ग्लिच। मुझे पूरा 5 मिनट हो चुका है अभी, और मैं यहाँ पे बाइक को लेके आ चुका हूँ कंट्रैक्शन साइड, चलाता चलाता बाइक को 5 मिनट हो चुका है। और आप लोग देखो करेक्टर बैक से देखो यार, पूरा यहाँ पे नीचे उतरने को तैयार है, कुछ ज्यादा ही हो चुका है यार। इतना तो मैंने यहाँ पे इस पर भरोसा ही नहीं कि इतना बैक आ जाएगा। मैंने लाइव स्ट्रीम के अंदर ट्राई किया था, बट इतना नहीं किया। ये देखो बहुत ज्यादा पीछा रहा है। तो मुझे लगता है अगर हम लोग गेम को 1 घंटा प्ले करेंगे तो इस बाइक और इस करेक्टर के बीच में मुझे लगता है बहुत ज्यादा गैप हो जाने वाला है। तो ये वाला ग्लिच काफी ज्यादा मजेदार है। जिसने भी मुझे लाइव में बताया था, उसका नाम मुझे नहीं पता है, अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो कॉमेंट में बता दीजिएगा। और जिसको भी खतरनाक वाले ग्लिच ऐसे और आ रहे हैं वो मुझे कॉमेंट में बता दीजिएगा। देखते हैं गाइस ये वाला जंप पकड़ पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। हम लोग जैसे ये वाला ग्लिच ट्राई करते हैं, उसके बाद जंप करते हैं, तो ये करेक्टर नीचे गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा वो भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जंप करवा दिया है, आई थिंक ये नीचे गिरेगा या फिर नहीं गिरेगा। नहीं गिरा भाई, काफी, ओ भाई बहुत ज्यादा बैक आ चुका है यार, इसने तो हद कर दी भाई। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। तो गाइस यार आज के वीडियो के अंदर हमने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्री गेम के काफी मजेदार ग्लिच ट्राई किए, जो कि काफी ज्यादा मजा भी आया है। तो गाइस आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही, क्योंकि हम लोग आगे और ग्लिच ट्राई करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, और आप लोग बोलते हो लंबी वीडियो मत बनाया करो। तो गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही, आप लोग कॉमेंट में कुछ नए ग्लिच और मजेदार ग्लिच बता देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके कॉमेंट के ऊपर आ जाए। इस वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।